सही। देखो रोएगा तो फिर हम नहीं करेंगे, ये बहुत गलत है। कि यहाँ पे बच्चे रो रहे हैं, आप उनकी आंसू नहीं देख रहे हैं। आप लोग जमशेदपुर से आए हैं, जिंदाबाद कर रहे हैं। देखिए जिंदाबाद जब तक करना था कर दिए, सरकार बन गई है, अब आपकी आपकी जिम्मेवारी भी है। जिंदाबाद जब कर रहे थे तो वहाँ पे हाथ पकड़ करके उन लोगों को ले भी जाना चाहिए था कि देखिए ये रो रहा है। मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और जमशेदपुर से रांची आए थे। रांची इसलिए आए थे क्योंकि आज इनके जो नए प्रभारी हैं झारखंड कांग्रेस के, वो यहाँ पहुँचे थे, अविनाश पांडे। उनके स्वागत में ये लोग जिंदाबाद और कई ऐसे नारे जो कि अपने नेताओं को खुश करने के लिए लगाया जाता है, वो ये लोग कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? जमशेदपुर। जमशेदपुर अभी आप यहाँ पे थे? थे। क्या क्या देखे जब अविनाश पांडे जब निकल रहे थे तो क्या हो रहा था? बाहर थे। आप लोग बाहर थे? जी। बच्चे यहाँ पे रो रहे थे, आप लोगों को दिखा? अंदर में कुछ लोग विरोध कर रहे थे, किसी चीज का हम देखे नहीं, हम लोग बाहर थे, रोड का बाहर थे। आप लोगों को ये पता चला कि पंचायत सचिव के बच्चे जो हैं यहाँ पे रो रहे थे आपके प्रभारी के पास? प्रभारी के पास अगर रो रहे थे तो उनका जरूर सरकार के लोग थे, मंत्री थे, हम लोग प्रभारी की स्वागत करने आए थे। और जिनका उनका अपना ग्रीवांश था वो अपना ग्रीवांश को अपना रखे हैं और सरकार उसको निश्चित तौर पर देखेगी। ये हेमंत सोरेन की महागठबंधन की सरकार कांग्रेस के साथ में, और जो भी दुख सुख होगा उस पर जरूर बात करेगी, विचार करेगी। घर में कितने लोग हैं? मेरे घर में माँ, पिताजी, बेटा, बाल बच्चा, हाँ बच्चे हैं। पढ़ते हैं ना बच्चे? हाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको भी उम्मीद होगा कि कुछ अच्छा करेगा, बढ़िया करेगा, पढ़ लिखेगा? एकदम करेगा जी, उम्मीद है। जब यहाँ पे जब बच्चे रो रहे थे और आप लोग उस दौरान भी अपने नेताओं का जिंदा बात कर रहे हैं, जानकारी नहीं थी सर, सर 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 हम लोग को जानकारी नहीं थी कि वो लोग किस विषय पर किए। हम हमारे 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 कार्यकर्ता जो हैं सर, वो आए हैं अपना नेता का पहला बार स्वागत करने। अब वहाँ पर कौन किस विषय पर बात कर रहा है, हम लोग तो बाहर खड़े थे, हम लोग तो मालूम नहीं है। हम लोग अपना नेता का स्वागत में नारा लगा रहे थे। अब अगर उसमें कहीं किसी को दुख हुआ तो उसके हम लोग खेत पकड़ कर, हम लोग को जानकारी नहीं थी। अगर हमको जानकारी होती, अगर हम आप चूँकि गंभीर नेता दिख रहे हैं और आपके साथ रहने दीजिए, जाम कोई दिक्कत नहीं है, सवाल पहले हम लोग पूछ लेने दीजिए। आप जब पूछ रहे थे लोगों से और जब तो यहाँ पे जो लड़के थे, आप लोग जब नेताओं का जिंदाबाद करते हैं तो आप लोग ये बात नहीं बोलते हैं कि दो साल से हमारी सरकार है, बहुत सारा बच्चा जो है, अखबार में तो पढ़ते ही होंगे, ठीक है यहाँ पे नहीं, तो आप लोग नहीं बोलते हैं कि भाई उसका बात अब सुन लीजिए, वो लोग बेरोजगार बैठा हुआ है, नियुक्ति पत्र के आस में है और उन लोग को कुछ नहीं हो रहा है? कांग्रेस मुख्यालय और अविनाश पांडे कांग्रेस के प्रभारी के पास अगर कोई बच्चा रोए झारखंडी तो आप लोग उसको पहले नहीं देखते? एकदम देखेंगे सर हम लोग उसको, और हमारे मंत्री तो देखेंगे। हम लोग इसकी जानकारी नहीं थी कि अब बच्चे वहाँ किस विषय पर गए हैं, हम लोग बाहर में थे और अपने नेता का हम लोग स्वागत करने आए थे। अगर हमारे नारा लगाने से, हमारे नेताओं का सम्मान करने से किसी का ठेस पहुँचा तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। नारा लगाने से नहीं, हम सवाल आप लोगों से इंटरव्यू इसलिए कर रहे हैं ना कि यहाँ पे बच्चे रो रहे हैं, आप उनकी आंसू नहीं देख रहे हैं। आप लोग जमशेदपुर से आए हैं, जिंदाबाद कर रहे हैं। देखिए जिंदाबाद जब तक करना था कर दिए, सरकार बन गई, अब आपकी आपकी जिम्मेवारी भी है। जिंदाबाद जब कर रहे थे तो वहाँ पे हाथ पकड़ करके उन लोगों को ले भी जाना चाहिए था कि देखिए ये रो रहा है। मैं सर मैंने आपको बताया ना, हम लोग को अंदर में क्या और उसकी जानकारी नहीं थी कि हर तो थे अंदर में? नहीं सर नहीं थे, एकदम 100% अंदर नहीं, मतलब बाहर गेट के पास ही तो गेट का बाहर थे सर, गेट के अंदर में कुछ लड़के पंपलेट दिखा रहे थे और उनको हम लोग देख रहे थे कि कुछ पंपलेट कितने लड़के मौजूद थे पहले से, ठीक है ठीक है, लेकिन वो बहुत गोपनीय तरीके से जो किया। और आपने जो बोला कि दो साल से सरकार क्या कर रही, दो साल से सरकार ने स्वास्थ्य के लिए क्या किया आपने देखा? दो साल से स्वास्थ्य को लेकर के जो देश में स्थिति बनी हुई है, हमारे सरकार ने स्वास्थ्य के लिए क्या किया आपने देखा? हाँ हमारे सरकार ने स्वास्थ्य के लिए क्या किया आपने देखा? वो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन लेकिन आप युवा है ना? आप हम युवा है, बोलिए। हाँ जिंदाबाद का नारा लगाना भैया, जब लोग देश में मर रहे थे ना तो हमारे सरकार ने पूरा काम किया और आप देख सकते हैं पहले का यही रोना रोते रहना है आगे तक। सर सेंट्रल से रोना चल रहा है, आज भी लॉकडाउन है कई राज्य में, आज भी लॉकडाउन है। हम लोग उस संदर्भ में बहुत संवेदनशील है और हम लोग उस पर जरूर विचार करेंगे। आपने संज्ञान में डाला है, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जमशेदपुर से माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी को इस विषय पर हम लोग, सिर्फ बन्ना गुप्ता की बात नहीं कर रहा हूं, दरअसल इंटरव्यू मैं इसलिए कर रहा हूं ना कि आप लोग जिंदाबाद करने के साथ साथ ना अपनी जिम्मेवारी को भी समझिए। नेता लोग इसलिए नहीं कुछ काम कर पाता है, यहाँ पे जो
लोग आया है ना, वो भी आप ही लोगों का लोग है, युवा है, झारखंडी है, उन लोगों के लिए आप लोग सवाल भी कीजिए। ऐसा नहीं कि आ गए, माला पहना दिए और फिर निकल लिए। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना लोगों की। आप सर इस विषय पर एकदम मैं आपको वादा करता हूँ, इस विषय की हमको जानकारी नहीं थी, हम लोगों को नहीं थी, बाहर में जो कार्यकर्ता थे। अगर हमारे छात्र, हमारे बच्चे, झारखंडी बच्चे जो हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, इनका कोई मुद्दा है, कोई विषय है, तो हम लोग इस पर गहन विचार करेंगे, हम लोग इसको जानेंगे और इस विषय को अपने सभी मंत्रियों के साथ में जरूर करेंगे। और मैं आपको वादा दिखाऊँ तो अपना नंबर नाम दीजिए, मैं लिखित तौर पर इसमें मांग करूँगा और रिटर्न में आपको व्हाट्सएप पर भेजूंगा, ये मैं वादा करके जाता हूँ। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और ये इंटरव्यू दरअसल इसलिए हम लोगों ने किया था फॉलोअप पे, क्योंकि जब पंचायत सचिव के अभ्यर्थी अविनाश पांडे के सामने रो रहे थे तो वहीं पर कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है उन बच्चों की आंसू को नहीं देखते हुए, दरकिनार करते हुए जो है अपने नेताओं का जिंदाबाद कर रहे थे। और ये बहुत जरूरी है कि अगर इस तरीके से लोग एक करेंगे, नहीं 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 आपके बोलने से गलत नहीं है ना, सारा रिकॉर्ड है ना, सारा रिकॉर्डेड है ना, आपके गलत बोलने से नहीं होगा ना, ये सब कैमरा सही बोलता है ना, कैमरा दिखाएगा, हम लोग दिखाएंगे पब्लिक को। चलिए इस इंटरव्यू को अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। विजुअल्स के माध्यम से आप ये तय कर लीजिएगा कि हमने जो बोला वो सही है या फिर गलत है। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.